तो दोस्तों बिहार के दो शहरों से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ाई जानी है। तो चलिए पूरी डिटेल में बात करते हैं, आखिर ये सीसी वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है या फिर वंदे भारत के स्लीपर वर्जन, और कब इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी, क्यों इसमें डिले देखने को मिल रही है और क्या होने वाली है इसकी पूरी रूट। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं दिलीप स्वागत करता हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी बिल्कुल नई वीडियो में। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड पूर्व मध्य रेलवे के मुजफ्फरपुर और जयनगर स्टेशनों से 15 जून के बाद कभी भी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कर सकता है, लेकिन ऐसा क्यों, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसको लेकर आधिकारिक सूचना जल्दी जारी की सकती है। कारण यह है कि फिलहाल ट्रैक की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने पे काम चल रहा है और यह काम पूरी तरह से मई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। स्पीड बढ़ाने को लेकर जारी रेल पथ मरम्मत का काम भी पूरा होने वाला है। बता दें कि वंदे भारत के अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस व वंदे भारत के स्लीपर वर्जन का भी पूर्वी क्षेत्राधिकार से परिचालन होगा। रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली, जयनगर से दिल्ली वाया मुजफ्फरपुर होकर वंदे भारत की परिचालन की तैयारी है। इसके अलावा शहर हावड़ा के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना से नई दिल्ली स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस, दरभंगा से दिल्ली, रक्सौल से दिल्ली के लिए एक एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होना है। फिलहाल दिल्ली से दरभंगा वाया सीतामढ़ी होकर अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। दोस्तों बात करें इससे होने वाले समय की बचत की, तो रेल अधिकारियों का कहना है कि वंदे भारत के परिचालन से मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने में 5 से 6 घंटे तक के समय की बचत होगी। फिलहाल अभी किसी भी सुपर फास्ट ट्रेनों से 18 घंटे तक का समय लगता है, और यदि डिले देखने को मिलती है वो तो अलग से, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस आने से 12 से 13 घंटे में यह सफर पूरा किया जा सकेगा। हालांकि किराया में करीबन 1.5 गुने तक का अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस आम ट्रेनों से काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सुविधा देती है। लेकिन आपने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया है तो नीचे हमें कमेंट जरूर करना कैसी लगी वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा। दोस्तों मुजफ्फरपुर से वंदे भारत ट्रेन के लिए जन प्रतिनिधि से लेकर व्यावसायिक संगठन तक इसके लिए रेलवे बोर्ड व रेल मंत्री को पत्र भेजे जा चुके हैं। रेलवे तत्काल मुजफ्फरपुर व जयनगर से एक एक वंदे भारत एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए एक एक अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने जा रहा है। हालांकि ये सीसी वंदे भारत एक्सप्रेस ही होने वाली है और स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस पे भी मंथन चल रहा है, लेकिन ये रूट जितनी लंबी है उस पर स्लीपर वर्जन और वंदे भारत एक्सप्रेस बिल्कुल चल नहीं चाहिए। बाकी इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।